Hello students, welcome back to my channel. So our today's topic is about animals around us. आपने आसपास बहुत सारे animals देखे होंगे, आपको roads पे चलते हुए कितने सारे animals दिखते होंगे, जैसे cat, dog, right? So सबके different different sizes होते हैं. Like rat सबसे छोटा होता है, rat से बड़ा cat, cat से बड़ी dog and dog से बड़ी cow. So सबके different different sizes हैं, सबके different different functions हैं bodies के. राइट, सो वी विल टॉक अबाउट कौन कौन से बहुत बड़े एनिमल्स होते हैं, कौन छोटे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके क्या क्या साइजेस होते हैं, क्या क्या उनके बॉडी फंक्शंस होते हैं. सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो. सो लेट गेट स्टार्टेड. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट वेरी बिग एनिमल्स. तो वेरी बिग एनिमल्स में सबसे बड़ा एनिमल जो आता है, जो हमारे लैंड पर रहता है, वो है अफ्रीकन एलिफेंट. अफ्रीकन एलिफेंट सबसे लार्जेस्ट एनिमल है हमारी लैंड के ऊपर, और इसका जो वेट है इट्स अराउंड 6000 किलोग्राम्स. सो सबसे लार्जेस्ट लैंड एनिमल हमारा हुआ अफ्रीकन एलिफेंट और उसका वेट हुआ 6000 किलोग्राम. नेक्स्ट आता है आपका लार्जेस्ट वाटर एनिमल, जो पानी में सबसे बड़ी एनिमल रहते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे. दैट इज आर ब्लू व्हेल. ब्लू व्हेल के बारे में तो आपने सबने सुना है, कितनी बड़ी है. सो ब्लू व्हेल वाटर में रहती है और सबसे लार्जेस्ट वाटर एनिमल कहलाती है. थर्ड आता है हमारा टॉलेस्ट एनिमल. टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा. सबको बताइए तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज जिराफ. सो जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल ऑन द लैंड. फोर्थ वन इज लार्जेस्ट बर्ड ऑन द लैंड. लार्जेस्ट बर्ड है हमारा ओस्ट्रिच, जिसका वेट है ऑलमोस्ट 150 किलोग्राम. सो ओस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड दैट लिव ऑन लैंड एंड इट्स वेट इज 150 किलोग्राम्स. आई होप वेरी बिग एनिमल्स आपको क्लियर होंगे. मैंने आपको फोर बताए. फर्स्ट वॉज अफ्रीकन एलिफेंट, सेकेंड वॉज ब्लू व्हेल, थर्ड वॉज जिराफ एंड द फोर्थ वन इज ओस्ट्रिच. लेट्स टॉक अबाउट बिग एनिमल्स. अभी हमने पढ़ा वेरी बिग एनिमल्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे बिग एनिमल्स के बारे में. सो बिग एनिमल्स में आपके आ जाते हैं लायन, टाइगर एंड बियर. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके बिग एनिमल्स में काउंट होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट स्मॉल एनिमल्स. स्मॉल एनिमल्स में आपके आ जाते हैं कैट, डॉग, वुल्फ एंड रैबिट. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल एनिमल्स. नेक्स्ट आता है आपका वेरी स्मॉल एनिमल, जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जैसे कि एंट, वॉर्म एंड मॉस्किटो. ये आ जाते हैं आपके वेरी स्मॉल, जो बहुत ज्यादा छोटे एनिमल्स होते हैं. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट साइज ऑफ दीज एनिमल्स. इन एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के बारे में हम बात करेंगे. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट स्नेक एंड वॉर्म. स्नेक एंड वॉर्म की बॉडीज तो बहुत लंबी होती है, लेकिन इनके पास कोई लेग्स नहीं होती. दे डोंट हैव लेग्स बट दे हैव लॉन्गर बॉडीज. नेक्स्ट वन इज फिश. फिश की जो बॉडी होती है बहुत स्ट्रीमलाइंड होती है. स्ट्रीमलाइंड का मतलब होता है बहुत ज्यादा शार्प होती है. उनके जो फिन्स होते हैं वो भी बहुत शार्प होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी को कट करते हुए आगे बढ़ जाती है. सो फिश हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी. नेक्स्ट आता है बर्ड्स. बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो होलो होती है. होलो का मतलब होता है एकदम खोखली. हमारी बॉडी में वजन होता है, लेकिन जो बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो होलो होती है, जिसकी वजह से वो हल्के होते हैं वजन में और इजिली विंग्स की हेल्प से, फेदर्स की हेल्प से स्काई में इजिली फ्लाई कर सको. बर्ड्स हैव होलो बॉडीज एंड देयर विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई. उनके जो पंख होते हैं उन्हें उड़ने में मदद करते हैं. नेक्स्ट आता है डॉग, हॉर्स, डियर. दे हैव फोर लिम्स. फोर लिम्स मतलब इनकी चार टांगे होती हैं. दे हेल्प देम टू वॉक, रन. ये इनकी हेल्प करता है. फोर लिम्स मतलब इनकी चार टांगे. जैसे कि स्नेक की कोई लेग्स नहीं होती बट वो रेंग के जा सकता है, राइट. फिश अपने फिन की हेल्प से पानी को कट करते हुए आगे जा सकता है. सेम एज डॉग और डियर और हॉर्स, इनकी फोर लेग्स होती है जिसकी हेल्प से ये रन और वॉक कर सकते. नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड. देख के डर तो नहीं लगता है इनको? ओह माय गॉड, देखने में डर लगता है ना इन्हें. लिजार्ड आ जाते हैं तो घर में हम कैसे भागने लग जाते हैं.
लिजर्ड और क्रोकोडाइल की जो लेग्स होती है, होती तो फोर लिम्स है, चार ही टांगे होती है, लेकिन वो छोटी छोटी होती है जो इनकी ग्राउंड तक ही नहीं रखती है। ये लंबा नहीं चल सकते, लॉन्ग ऐसे भाग के फटाफट से नहीं जा सकते, छोटी छोटी टांगे होती है जिससे क्रॉल कर सकते हैं, ऐसे रेंगते हुए जमीन पर चल सकते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है लंबी होती है, लेकिन जो इनका एंड होता है, आपने देखा ना इनकी पूंछ, इनका ये नैरो एंड होता है, यहाँ पे आगे एंड हो जाते हैं, नैरो एंडेड कहते हैं। जैसे स्नेक और वॉर्म तो एक ही शेप होती है, राउंड सी लंबे से होते हैं, लेकिन लीजर्ड और क्रोकोडाइल की जो एंडिंग होती है वो चोंच की तरह निकली होती है, जिसे हम कहते हैं नैरो एंडिंग। ओके, क्रोकोडाइल और स्नेक, क्रोकोडाइल और लीजर्ड की कैसी शेप होती है? नैरो एंडेड शेप होती है, फोर लिम्स होते हैं लेकिन वो छोटी छोटी लेग्स होती है फोर, तो वो सिर्फ क्रॉल कर सकते हैं, हमारी तरह चल नहीं सकते, हमारी तरह भाग नहीं सकते जैसे डियर और हॉर्स भागते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंसेक्ट्स। नेक्स्ट आता है इंसेक्ट। इंसेक्ट की बॉडीज बहुत स्मॉल होती है, जैसे मैंने आपको बताया था स्मॉल एनिमल्स में काउंट होते हैं इंसेक्ट्स। सो इनको, इनकी जो लेग्स होती है वो सिक्स लेग्स होती है। हाउ मेनी लेग्स डज एन